वालों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है लेकिन मैंने उसे साइन नहीं किया ही लिया। क्यों बेटा, इतना अच्छा मौका मिल रहा है तू क्यों गंवा रही है? देखिए अम्मा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 साल का है और अगर 2 साल में मुझे कोई अच्छी ऑफर आती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो मैं पछताऊं ना कि मैंने साइन क्यों किया। अब क्या करना है ख्वाजा साहब इस कॉन्ट्रैक्ट का? तुम जानते हो फयाज, मुझे जिंदगी में जो भी चीज अच्छी लगी या पसंद आई वो मैं मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेता हूँ। तुम्हारी वालदा बिल्कुल तुम्हारे जैसी, मेरा मतलब तुम अपने वालदा जैसी हो, वैसी ही खूबसूरत। कोई मानता ही नहीं कि मैं उनकी बेटी हूँ। वो बहुत खूबसूरत है। तेरे बॉस का रवैया तो ठीक है ना तेरे साथ? ओ माँ, he is very good. लगता ही नहीं है बॉस है, बहुत फ्रेंडली है वो तो। तू उस वक्त क्या इंतजार कर रही है जब एक बाप अपनी बेटी पे बुरी नजर डाले? अगर अरियास खाजा ने हकीकत खुलने से पहले फलक के साथ कोई हरकत की तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। दरअसल ऑफिस की तरफ से मुझे स्पेशल वर्कशॉप के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। बस एक हफ्ते की बात है, मुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी मम्मा को आपसे मिलने का बहुत शौक है। ऐसा क्या बता दिया मेरे हवाले से तुमने उनको? वही जो सच है। एक बार तो आप उनसे मिल लेना। मैंने उनसे कहा था कि मामा जरूर मिलने आएंगे। वो तो कह रहे थे कि वो आपसे मिलने के लिए आपके घर आएंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे वालेकुम सलाम, बल्कि तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। आज है मेरे पास वक्त, अगर तुम कहो तो चलो चलते हैं, तुम्हारी मामा से मिल लेते हैं। नो सर, वो यही ऑफिस में है, उन्हें किसी काम से जाना था तो मैंने सोचा कि अपने सर से मिलवा देती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात, जाओ जल्दी से बुलाओ उन्हें। अभी बुला के लाती हूँ। सर, ये मेरी मामा है। मामा, ये हैं हमारे सर। और सिर्फ मेरी नहीं, कि तुम्हारी भी बेटी इलियास ख्वाजा। मम्मा, नहीं नहीं ये नहीं। क्या कह रही है तुम? क्यों, तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती? तुम्हारा खून इसे देखकर जोश नहीं मारता? अरे मैं तो भूल ही गई थी, बेहिसी और बेगैरती खून को ठंडा कर देती है। जब हम अलग हुए थे तो उस वक्त तुम, हाँ जब तुमने मुझे तलाक दी थी बगैर किसी जुर्म के, यही बताने की कोशिश करी थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, मगर तुमने जहमत ही नहीं की सुनने की। बड़ी सफाकी से ही की झटके में दामन छुड़ा कर अभी रंगीन दुनिया में खो गए।
तुम सारी जिंदगी बेटी के लिए तरसते और तड़पते रहो। बद्दुआ है मेरी तुम्हें। चलो। इलियास ख्वाजा मेरा बाप? अब तो ये भी पूछना चाहेगी कि तेरा बाप इतना मशहूर था तो इसके बारे में मैंने तुझे पहले क्यों नहीं बताया? या फिर ये पूछना चाहेगी कि अगर वो जिंदा था तो मैंने इतनी तकलीफों से तुझे अकेले क्यों पाला? मैं इनमें से कुछ नहीं पूछूंगी। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या वो सिर्फ मेरा बाप था या आपका शौहर भी था? फलक, बीवी थी मैं उसकी, शादी की थी उसने मेरे साथ, मगर तेरे पैदा होने से पहले तलाक दे दी मुझे। सब कुछ और नहीं जानना मुझे, इतना काफी है मेरे लिए। लेकिन मुझे बताना है, चाहे तुम जानना चाहो या ना जानना चाहो, आज इतने सालों के बाद जब बात खुली गई है तो मैं अपने दिल की बात तुझे बताना चाहती हूँ। जब तक बता नहीं लूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। तू नहीं जानना चाहेगी तेरी मां के साथ ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से? इसी एक शख्स की वजह से। मेरी बात सुन मेरा बच्चा, तेरी मां ने कितनी मेहनत की है, नहीं जानना चाहेगी? जब फरहाद सेठी की फिल्म से मुझे निकाला, उनके घर से निकली, स्टूडियो के बाहर खड़े होकर चक्कर लगाती रही कि शायद आज कुछ मिल जाएगा, कोई छोटा मोटा काम। वो सितारा जो अपने ख्वाबों की तलाश में निकली थी, पता नहीं किन राहों में खो गई। नहीं जानती थी कि मेरी ख्वाहिशें मुझे कहां ले जाएंगी, तो मुझे तेरा बाप मिला। आज तक मैंने तुझे उसके बारे में नहीं बताया। इस इंसान ने मुझसे कितने वादे किए, फिल्म बनाऊंगा, तुझे हीरोइन बनाऊंगा, उसकी आड़ में इसने मुझसे जो कुछ करवाया, तो सुनेगी तो तेरा कलेजा फट जाएगा। अगर आज एक मां तुम्हें बद्दुआ देती है इलियास ख्वाजा, तुम सारी जिंदगी बेटी के लिए तरसते और तड़पते रहो। बद्दुआ है मेरी। औरत से निकाह के लिए अगर मौलवी और गवाह जरूरी होते हैं तो औरत से छुटकारा हासिल करने के लिए इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं पड़ती।
تین لفظ بہت ہوتے ہیں اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. نہیں. کیوں نہیں کر سکتا؟ کر کے دکھاؤں. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. میں ایک بات سنو. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. آخری بار کہنے سے پہلے میری بات سن لیں. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بیٹی جیسی رحمت تمہیں نوازے. یہ خوش قسمتی میرے حصے میں آنی تھی اور تمہارے حصے میں صرف بدقسمتی اور بچتا اور کچھ نہیں. مگر آج ایک ماں تمہیں بد دعا دیتی ہے الیاس خواجہ. تم ساری زندگی بیٹی کے لیے ترستے ہو, تڑپتے رہو. بد دعا ہے میری تم. میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے نہیں بتائی کہ تم دل پہ لگا لو. اگر یہ شخص تم سے نہ ملتا اور ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آتا تو میں تجھے کبھی اس کے بارے میں نہ بتاتی. یہ تو قدرت نے موقع پیدا کر دیا. تمہیں سب نہ کر سکی. چلو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. بس آج سے ایک قصہ ختم. نہیں مما, میں آپ کے دکھوں کا حساب اس انسان سے ضرور لوں گی. نہیں میرے بچے, نہیں. حساب ہی لینا ہوتا تو میں خود نہ لے لیتی. معاف کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے. اللہ تمہیں تمہاری محرومیوں کا انعام ضرور دے گا اور اسے اس کے کیے کی سزا. تیری ماں ہے نا تیرے پاس, تجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں. آج آپ کے اس حالت کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہے کہ عورت کمزور نہیں ہوتی, وہ مضبوط ہوتی ہے, چٹان کی طرح مضبوط. میری ماں کتنے سالوں تک اکیلی یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی اور آپ کی ایک جھٹکے میں یہ حالت ہو گئی. یعنی آپ کے دل نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے نا؟ خیر میں یہ بتانے آئی تھی کہ میں آج آپ کے آفس گئی تھی لیکن مجھے پتا چلا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ ایک دو دن سے آفس نہیں ہیں, اس لیے میں آئی ہوں. آپ ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کا حال پوچھنے آئی ہوں. یہ دنیا بہت بڑی ہے, جس کے پاس ٹیلنٹ اور حوصلہ ہو وہ بآسانی دنیا فتح کر لیتا ہے. اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی, مجھے بھی نہیں ہے. میں اب چلتی ہوں. خدا حافظ. سر اپنی ماں سے کہنا کہ اس کی بد دعا تو مجھے کب کی لگ چکی. تمہاری عمر کی میری ایک اور بیٹی تھی جو بہت پیار کرتی تھی مجھ سے. اس کا
उसका नाम भी फलक था। गाड़ी के हादसे में उसका इंतकाल हो गया। बहुत बदनसीब हूं मैं। ना ये फलक मुझे मिल सकी। ना वो मेरे पास रह सके। अपनी मां से कहना कि इंसान मुकद्दर से नहीं लड़ सकता, मैं हार गया। हार गया मैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम भाई। जॉब तो मैंने छोड़ दी है, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अपनी स्टडी के साथ साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट भी हैंडल कर सकती हूँ, और बहुत जल्द मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने वाली हूँ। तुम कमाल हो फलक, लोग अपनी सारी उम्र गुजारने के बाद ड्रीम प्रोजेक्ट पे आते हैं, और तुम स्टार्ट ही ड्रीम प्रोजेक्ट से कर रही हो। लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए होगी। कौन कौन देता है मेरे साथ? थैंक यू। अपने बचपन की गलियों में चलती हुई, अपनी तारा सी आंखें झपकती हुई, मैं किधर को चली, मैं सितारा बनी। कच्चे घर में हंसी ख्वाब बोलते हुए, नींद में आसमानों पर उड़ते हुए, मैं कहाँ खो गई, मैं सितारा बनी। मेरी किस्मत में लिखी थी ऐसी घड़ी, ममता मुझसे दामन छुड़ा के चली, मैं सकती रही, मैं सितारा बनी। धूप में मेहरबान ऐसी छांव मिली, खिल गई एक दिन मेरे दिल की कली, मुझको मंजिल मिली, मैं सितारा बनी। अपने हाथों से दिल की गली नोचती, मैं कहाँ आ गई, देख ले जिंदगी कैसे रुसवा हुई, मैं ऐसे तारा बनी। ये मेरा दिल है कि है महफिले तन्हा कोई, अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। सालगिरह मुबारक हो। मैं जानती हूं कि तुम मेरी बेबसी और मेरी तन्हाई का मजाक उड़ाने के लिए आई हो।
बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर एंड बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने के लिए आ रही है मिस फलक नाज। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। जो मैं सितारा की क्रिएटर है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही है मिस फलक नाज। थैंक यू सो मच। आज का ये दिन और ये लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती लम्हा है। ये अवार्ड मेरे लिए कितना अहम है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि ये अवार्ड मुझे जिस फिल्म पर दिया गया है उसकी कहानी एक ऐसी दास्तान है जिसके साथ मेरी सांसें जुड़ी हैं। वो हस्ती इस कहानी की मरकजी किरदार है, सुरैया। आज तेरी दुआएं और मेहनत दोनों ही रंग लें। माशाल्लाह हमारी फलक ने 2 साल में वो हासिल कर लिया जिसे आने के लोग अपनी उम्रें गंवा देते हैं। सच कह रहे पप्पू, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता था कि जिंदगी में कभी कोई खुशी का लम्हा नहीं आएगा। सारी उम्र बेकार में हड्डियां गला दी, मगर मेरा रब बड़ा मेहरबान है। जिसे दुनिया सितारा के नाम से जानती है। जब मैंने सितारा के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहती हूं, तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। आज पार्टी करते हैं। क्योंकि इस निगाह खाने में जितने धोखे धक्के फरेब उन्होंने खाए, लम्हा लम्हा जितने अजाब से वो गुजरी हैं, वो नहीं चाहती थी कि इस शोबिस की बला मुझे भी निगल ले। और आखिरकार मैंने उन्हें मना लिया और वो हस्ती कोई और नहीं, मेरी अपनी प्यारी मां। यह अवार्ड मैं उन्हीं को डेडिकेट करना चाहती हूं, अपनी मां को, सुरैया को। आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप मेरी सालगिरह के मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे विश करने के लिए हैं। कितने खूबसूरत है ना ये फूल। Well done. All the chatter. We clap. Sub clap. Ek dhoka.
मेरा दिल है कि है महफिल तन्हा कोई, अब यहां कोई नहीं आएगा। सालगिरह मुबारक हो। मैं जानती हूं कि तुम मेरी बेबसी और मेरी तन्हाई का मजाक उड़ाने के लिए आई हो, और तुम्हें ये हक है सितारा, इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया था। मैं खुलूस से दिल से तुम्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देने आई, खुशी के मौके पर रोते नहीं है। अच्छी लग रही है, चलो केक काटो, आओ काटो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। पहले तुम लो। कितनी देर बाद मिले, बैठने को नहीं कहोगी? चलो बैठ के बातें करते हैं। चलो बैठते हैं, खूब बातें करते हैं। बैठो ना, चुप। देखा सितारा, कितनी बेमुरव्वत है ये फिल्मी दुनिया। जब तक पिक्चर हिट रहती है, हीरोइन को सर आंखों पर बिठाते हैं, जब वो फ्लॉप हो जाती तो उसको नजरों से गिरा देते हैं। हाँ नसीम दिलरुबा, यही इस निगार खाने का दस्तूर है। यहाँ हुस्न, जवानी, शोहरत और सबसे बढ़ के किस्मत का सिक्का चलता है। जब तक आप आसमान पर चकमकाते हो, सब आपको पूछते हैं, बस जो ही आपका सितारा टूटता है, यही लोग आप पे मिट्टी डालते हैं। तुम्हारे साथ भी किस्मत ने बहुत अजीब खेल खेला है। तुम्हारा जख्म ज्यादा गहरा है, मैं तो सितारा बनते बनते बिखर गई, मगर तुम आसमान पर जगमगाते हुए टूटी हो। मुझे अपनी किस्मत से कोई गिला नहीं। मुझे सितारा, मुझे माफ कर देना प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मैं बहुत बुरी हूं, और शायद आज उसी की सजा बहुत रही। देखो सितारा, आज तुम्हारे पास फलक है, और मेरे पैरों से जमीन भी खींच ली गई। हम सब मुकद्दर के कैदी हैं, बस जिस दिन हमें ये बात समझ आती है ना नसीम दिलरुबा, सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, ये दुनिया एक निगार खाना है और हम सब इसके किरदार। तो अपना अपना किरदार निभाते,
जब तक जिंदा है, खुशी का मौका है। म्यूजिक का इंतजाम नहीं किया। फरहाद सिटी से मिलना है मुझे। फरहाद सिटी? फरहाद सिटी साहब को तो दो दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। फरहाद सिटी से मिलना है मुझे। फरहाद सिटी? फरहाद सिटी साहब को तो दो दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया। उनकी जहनी हालत पहले से बेहतर है। उनके असिस्टेंट उन्हें घर ले गए। आपको देखे हुए बहुत दिन हो गए साहब जी, पर क्या करती, हालात से लड़ रही थी आपकी सितारा, मगर मैं आपको भूली नहीं हूं और भूल भी कैसे सकती हूं। पर मैं नहीं जानती कि आप मुझे पहचानेंगे या नहीं। मैं आ रही हूं आपके पास। बस आपको देख लूंगी, यही बात है मेरे लिए। फरहाद, अपने फरहाद को, और मैंने तो वापस लौटना ही था, और कहां जाना था, बस थोड़ी देर हो गई। नहीं सितारा,
देर नहीं हुई, मोहब्बत में कभी देर नहीं होती। बस किस्मत ने जब हमें मिलाना था मिला दिया। ये खा